तो दोस्त आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप थर्ड पार्टी के ऑन रोल पे जॉब कर रहे हो और कंपनी का ऑन रोल जब आपको मिलता है तो उसमें सैलरी कितने परसेंट आपको हाइक मिलती है या कितने परसेंट सैलरी आपको बढ़ के मिलती है। एक्चुअली ये कमेंट आया तो मैं उसी बेस पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पास भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हो, अगर लगता है कि उस पर वीडियो बन सकता है तो मैं 100% बनाऊँगा। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त अगर आप थर्ड पार्टी के ऑन रोल पे जॉब कर रहे हो और आपको जब कंपनी का पेरोल मिलता है, कोई भी कंपनी हो, MNC, अगर आप उसके पेरोल पे जाते हो तो जी हाँ, आपको ऑन रोल जाने पे हाइक मिलता है। अब कई कंपनीज होती हैं वो 20% हाइक देती हैं आपकी करंट सैलरी में। जो इसका एक मिनिमम क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 25% हाइक रखा गया आपकी करंट सैलरी में। अब इंडिया में कई मल्टीनेशनल क्लाइंट ऐसे हैं, मतलब कंपनी चाहे भले ही वो बाहर की हों, जो इंडिया में काम कर रही हैं, वो कई कंपनी जैसी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 15 की सैलरी पे काम कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी के ऑन रोल पे हो और जब आपको कंपनी का पेरोल मिलता है तो उसमें आपकी सैलरी ठीक डबल कर देती हैं। जैसे कि आपकी सैलरी 15,000 है और जैसे ही कंपनी का ऑन रोल मिलता है तो आपकी सैलरी हो जाती है 30,000। तो इस तरीके से वो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बताऊं आपको तो 25% आपको मिनिमम हाइक मिलता है आपकी करंट सैलरी में कंपनी के ऑन रोल जाने पे। और इसमें कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि ऑन रोल होने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हो। तो इसमें जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, 400 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, ये आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो, इवनिंग में हो, नाइट शिफ्ट में हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। मेडिकल कवर अच्छा खासा मिलता है, फैमिली का कवर अच्छा खासा मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और भी कई बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ होती हैं ना जो आपको ऑन रोल एम्प्लॉय होने पर मिलती हैं। और इसमें भी ऑन रोल होने के दो तरीके होते हैं, एक FT एम्प्लॉय होता है और एक होता है कोर ऑन रोल। तो मैं FT के लिए बता दूं, एक फुल टाइम एम्प्लॉय होता है। तो इसमें आपको अराउंड 50-70% कंपनी ऑन रोल के बेनिफिट मिलते हैं जब, बट कंपनी में बैंड नहीं मिलता। जैसे कंपनी के बैंड होते हैं ना, A1, A2, B1, B2, B3, इस तरीके से, या कई कंपनीज फॉलो करती है अपना B3, B2, B1 ऐसे करके फॉलो करती है। तो उसमें बैंड आपको कंपनी का नहीं मिलता, बस आप कंपनी के ऑन रोल पर हो जाते हो। एक होता है कंपनी का कोर ऑन रोल होना जिसमें आपको बैंड मिलता है, चाहे B3 मिले, B2 या A1 या A2, तो इसमें आपको मिलता है बैंड। तो इन दोनों में मैं बता दूं, अगर आप बैंड पे हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और भी कुछ बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू FT एम्प्लॉय जो फुल टाइम एम्प्लॉय होता है। बट आप कंपनी के ऑन रोल पे होते हो, FT में भी ऑन रोल पे होते हो और कोर एम्प्लॉय पे भी ऑन रोल पे होते हो, बट आपको थोड़े से कम बेनिफिट मिलते हैं अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो। तो कोशिश करो कोर एम्प्लॉय हो तो और भी अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।